तब गिरा था 9%, फिर थोड़ा सा अप मूव दिया था 5% का, फिर वापस गिरा 17%, फिर एक पुलबैक आया था 10% का, अब वापस गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये काफी गिरता है, थोड़ा एक टेम्परेरी पुलबैक देता है, फिर गिर रहा है, फिर पुलबैक दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि ये टेम्परेरी पुलबैक का सिलसिला कब खत्म हो सकता है, कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे कुछ अच्छा रिवर्सल देखा जा सकता है, साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। अगर आप एक काउंटर देखें तो रिसेंटली काफी अच्छी एक स्ट्रांग मूव आई थी। अगर आप देखें ड्यूरिंग आफ्टर मतलब लाइक 2024 इसके लिए काफी अच्छा रहा है। इनिशियली हमने काफी अच्छी अप मूव दिखी और अगस्त सीरीज तक हमने देखा था कि स्टॉक अराउंड 220 के आसपास 240 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर रह सकता है एक 50% रिट्रेसमेंट के आसपास, दैट इज अराउंड 175-174 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं और वो लेवल काफी अच्छा रहेगा टू एड एनी फ्रेश लॉन्ग्स। तो आई वुड से करके कि अगर किसी के लॉन्ग्स है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 174 का मेंटेन करके रखें। यहाँ पे अगर थोड़ा डिप आती है टुवर्ड्स 170-180-185 के जोन के आसपास या 180 के पास भी आता है तो दैट वुड बी अ गुड बाइंग रेंज। तो वहां पे आप फिर से ऐड कर सकते हैं अगर किसी के ऑलरेडी लॉन्ग्स हैं। तो अभी के लिए थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर रह सकता है बट आई थिंक होल्ड करने में कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है तो यहाँ से कभी भी एक रिकवरी आ सकती है। तो इस रीजन से आई वुड से करके कि होल्ड करें और जैसे कि उन्होंने बताया कि वो काफी नए हैं to trade into equities, so all the best for ahead. आप जो enter किए हैं वो ऐसे market में enter किए जाके बहुत selling pressure है, but यहाँ से जब recovery आएगी तो आप देखेंगे काफी अच्छा move देखने को मिल सकता है।